उत्तरी जापान, 11 मार्च 2011 एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। यह लगभग 5 मिनट तक चलता रहा। दो सौ 30 किलोमीटर दूर टोक्यो में भी इसका काफी असर था। गगनचुंबी इमारतें हिलने लगी और कुछ तो गिरने लगी। जापानी मौसम विभाग ने भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 की दर्ज की। यह जापान के आज तक के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि भूकंप का केंद्र समुद्र के 130 किलोमीटर के अंदर था, फिर भी पूरे उत्तरी जापान में इसने भयानक तबाही मचाई थी। टोक्यो के अंडरग्राउंड क्राइसिस सेंटर में जापानी प्रधानमंत्री नारितो कान ने इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी। सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी कि जापान के 5 सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट इसी विनाशकारी क्षेत्र में आते थे। इनमें सबसे बड़ा था फुकुशिमा पावर प्लांट, जो कि पूरी टोक्यो को बिजली सप्लाई करता था। फुकुशिमा भूकंप के केंद्र से केवल 178 किलोमीटर दूर था। भूकंप के पहले झटके पर ही प्लांट में इमरजेंसी घोषित हो गई और रिएक्टर ऑटोमेटिक नियंत्रित बंद होने की प्रक्रिया में आ गए। इस प्रक्रिया को पूरा होने में भी 2 घंटे का समय लगता था। भूकंप से पावर प्लांट को वैसे तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन भूकंप से प्लांट को सप्लाई होने वाली बिजली की मुख्य पावर लाइन और टावर ध्वस्त हो गए थे। इमरजेंसी जनरेटर को चालू किया गया ताकि रिएक्टर्स को सुरक्षित रूप से शटडाउन किया जा सके। दोपहर में पूरे देश में सुनामी की चेतावनी दी गई। पूरे उत्तरी प्रशांत तटीय जापान को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। फुकुशिमा पावर स्टेशन के साथ साथ फुकुशिमा प्लांट के वर्कर्स ने प्लांट को खाली कर दिया। केवल 50 सदस्यीय कोर टीम, जिसे फुकुशिमा 50 कहा जाता था, सुनामी का सामना करने को प्लांट में रुक गई। पूरे उत्तरी जापान के लाइव न्यूज कैमरे सुनामी को उत्तरी जापान तट पर आते हुए प्रसारित कर रहे थे। सुनामी पूरी ताकत के साथ फुकुशिमा पावर प्लांट से टकराया। प्लांट साइट पर तेजी से पानी बढ़ने लगा। सारे इमरजेंसी पावर सप्लाई बंद हो गए। बेसमेंट में रखे जनरेटर का निरीक्षण करने गए 2 वर्कर तुरंत मारे गए। प्लांट कंट्रोल रूम अंधेरे में डूब गया। फुकुशिमा 50 अब रिएक्टर का तापमान और प्रेशर नहीं देख सकता था। दुर्भाग्य यह था कि रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम फेल हो गए।
टोक्यो क्राइसिस सेंटर में प्रधानमंत्री कान को पता चला कि फुकुशिमा पावर प्लांट में सभी तरह की पावर सप्लाई खत्म हो चुकी है। प्लांट के मैनेजर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बेचैन थे। उन्हें प्लांट को किसी भी तरह से बिजली की सप्लाई उपलब्ध करानी थी। प्लांट को जोड़ने वाली सारी सड़कें बर्बाद हो चुकी थीं। नए जनरेटर को प्लांट तक पहुंचाना लगभग असंभव था। पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 1 के कंट्रोल रूम में इमरजेंसी वर्कर्स ने रिएक्टर के डैमेज होने की जांच शुरू कर दी। उन्होंने महत्वपूर्ण रीडिंग लेने के लिए बैटरी पैक और कार बैटरी का इस्तेमाल शुरू किया। रेडिएशन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया था। फुकुशिमा 50 के सदस्यों ने रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट पहन लिया। उनके उपकरण बता रहे थे कि रिएक्टर के अंदर का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें दबाव को कम करने का तरीका जल्द से जल्द ढूंढना होगा। खबर प्रधानमंत्री तक पहुंची। उन्होंने आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी। निर्णायक कदम उठाने का समय था, पर जानकारी बहुत सीमित थी। उनके पास प्लांट की कोई तात्कालिक रीडिंग और प्लांट मैनेजर से कोई संपर्क नहीं था। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकारों ने कहा कि जल्द से जल्द रिएक्टर के वॉल्व को खोलकर स्टीम बाहर निकालें, इससे प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन प्लांट के सीनियर मैनेजर ने इस योजना का विरोध किया। उनका डर था कि स्टीम के साथ साथ रेडियोएक्टिव तत्व भी वातावरण में काफी मात्रा में जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश के दबाव में प्लांट वर्कर्स ने सेफ्टी वॉल्व ढूंढना शुरू कर दिया। केवल टॉर्च की रोशनी में इसे ढूंढना बिल्कुल ही आसान नहीं था। हैंडहेल्ड गीगा काउंटर्स बता रहे थे कि रेडिएशन का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता था कि शायद भूकंप से रिएक्टर में दरार आ गई हो। प्रधानमंत्री को बुरी सूचनाएं मिलती रहीं। जो मोबाइल जनरेटर प्लांट तक पहुंचाए गए थे उनसे शटडाउन नहीं हो पा रहा था। रिएक्टर के अंदर का दबाव इतना बढ़ गया था कि वर्कर्स को डर लगने लगा कि कहीं रिएक्टर फट न जाए। लेकिन वे अभी तक मुख्य प्रेशर रिलीज वाल्व नहीं ढूंढ पाए थे। फुकुशिमा शहर से बाहर निकलने की आपाधापी में विशाल ट्रैफिक जाम हो गया। प्लांट से संपर्क न होने से निराश होकर प्रधानमंत्री कान ने स्वयं प्लांट पर जाने का निर्णय लिया। प्लांट में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मैनेजरों से कड़ाई से पूछा, क्यों अभी तक प्रेशर वाल्व खोलकर दबाव कम नहीं किया गया? मैनेजरों ने वाल्व के न मिलने की वजह बताई। घोप अंधेरे और हाई रेडिएशन लेवल में वॉल्व खोजना बहुत खतरनाक काम था। एक वर्कर को हाई रेडिएशन एक्सपोजर के कारण हॉस्पिटल भेजना पड़ा।
आखिरकार जब उन्हें वॉल्व मिल गया तो इसे बिना बिजली के चलाना बहुत मुश्किल था। फुकुशिमा 50 ने इसे कार बैटरी और मैनुअल ताकत से चलाने का प्रयास शुरू किया। आखिरकार सफलता मिली, वॉल्व खुल गया, रिएक्टर के अंदर का दबाव घट गया। प्लांट मैनेजर ने सोचा, अब रिएक्टर नंबर 1 सुरक्षित है, पावर सप्लाई शुरू कर इसका कूलिंग प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। रेडिएशन लेवल तेजी से बढ़ रहा था। मैनेजर्स ने सोचा स्टीम के रिलीज होने से शायद बढ़ गया होगा, पर यह रिएक्टर के 15 सेंटीमीटर मोटे स्टील कोर के क्रैक होने के बाद निकले पिघले हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से भी हो सकता था। खतरा अभी टला नहीं था। 3:36 शाम में भूकंप के एक बड़े आफ्टर शॉक से पूरा प्लांट हिल गया। लगभग तुरंत इमारत जिसमें रिएक्टर नंबर 1 स्थित थी उसमें विस्फोट हो गया। रिएक्टर नंबर 1 के पास रेडिएशन लेवल सामान्य से 1000 गुना ज्यादा हो गया। यह एक इशारा थी कि हो सकता है रिएक्टर नंबर 1 डैमेज है और लीक कर रहा है। दूसरे रिएक्टर्स भी दबाव बढ़ने को इंडिकेट करने लगे। 2 दिनों के बाद रिएक्टर नंबर 3 की इमारत में पिछले विस्फोट से भी बड़ा विस्फोट हुआ। कुछ घंटों में ही प्लांट का रेडिएशन लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया। फुकुशिमा 50 का प्लांट के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो चुका था। दूसरे दिन सुबह इसी तरह का विस्फोट रिएक्टर नंबर 4 की इमारत में हुआ और आग लग गई। जब आग खत्म हुई तो रिएक्टर नंबर 4 की इमारत से तेजी से स्टीम निकलते हुए दिख रही थी, जिससे लग रहा था कि पिघले हुए फ्यूल रॉड के संपर्क में पानी के आने के कारण यह बना। अब खतरा था पूरे रिएक्टर के मेल्टडाउन का, यानी कि चेर्नोबिल जैसी दूसरी घटना का। अब खतरा था पूरे रिएक्टर के मेल्टडाउन का, यानी कि चेर्नोबिल जैसी दूसरी घटना का। प्लांट मैनेजर्स ने फ्यूल रॉड को पानी से डुबोने को ही एकमात्र रास्ता समझा। उन्होंने इसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिससे रिएक्टर पर पानी डाला जा सके। लेकिन प्लांट साइट के ऊपर रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा था कि इसे भी छोड़ना पड़ा। केवल फायर ब्रिगेड ही इतना पानी डाल सकता था जिससे कि फ्यूल रॉड को ठंडा किया जा सके। सुनामी ड्यूटी से हटाकर फायर ब्रिगेड की टीम को प्लांट पर भेजा गया। उन्होंने पूरी ताकत से रिएक्टर पर पानी डालना शुरू किया। रिएक्टर के ऊपर से होकर आता पानी समुद्र में मिलने लगा, इससे प्लांट के आसपास के समुद्र का रेडिएशन बढ़ने लगा। प्लांट की बिजली बहाल होने में 2 सप्ताह का समय लगा, लेकिन तब तक रेडिएशन का लेवल फैलने से काफी नुकसान हो चुका था। जापान के साथ साथ पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि प्लांट के अंदर कितना नुकसान हुआ और इसके कारण क्या थे। हालांकि दुर्घटना के कुछ दिनों के अंदर ही जापान की सरकार ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन जापान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी जांच करने के लिए आमंत्रित किया।
6 में से 3 रिएक्टर बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। फुकुशिमा प्लांट को सुनामी की लहरों से बचाने के लिए ऊंची दीवार बनाई गई थी। रिएक्टर को भी काफी गहराई तक खोदकर बनाया गया था, जिससे भूकंप से सुरक्षा हो सके। बिजली के फेल होने की स्थिति में पावर जनरेटर भी उपलब्ध थे, जिससे कि प्लांट को शटडाउन किया जा सके। लेकिन कोई भी सुरक्षा के उपाय विपत्ति में खरी नहीं उतरी। अब हम बारीकी से दुर्घटना में प्लांट की सुरक्षा खामियों को परखेंगे, जिससे कि आगे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। 1960 में जब फुकुशिमा प्लांट का निर्माण हुआ, इंजीनियर्स ने भूकंप से बचने के लिए जमीन को 25 मीटर खोदकर रिएक्टर बनाया, जिससे प्लांट का तल समुद्र से काफी नीचे हो गया। सुनामी के खतरे से बचने के लिए 6 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई, जो कि ना काफी थी। 14 से 15 मीटर ऊंची सुनामी की लहरों ने इसे आसानी से पार कर लिया। प्लांट के कैमरों से देखा जा सकता था कि शुरुआती लहरों ने ही दीवार पार कर प्लांट को पानी से भर दिया। इस साधारण डिजाइन की खराबी ने दुर्घटना की पूरी चेन को जन्म दे दिया। जापान के इतिहास के सबसे बड़े भूकंप ने मेन पावर लाइनों को ध्वस्त कर दिया। इमरजेंसी प्रोसीजर के अनुसार बैकअप पावर जनरेटर चालू हो गए। तभी सुनामी प्लांट से टकराई। हजारों टन पानी से प्लांट भर गया। बेसमेंट में चल रहे जनरेटर पानी भरने से बंद हो गए। बेसमेंट में लगा बाढ़ से बचाव करने वाला दरवाजा सुनामी की ताकत का सामना ही नहीं कर सका। सारे पावर के खत्म होने से इंजीनियर्स रिएक्टर से उत्पन्न होने वाले भीषण तापमान को नियंत्रित ही नहीं कर सकते थे। जब बिजली कटती है तो रिएक्टर के अंदर तापमान को नियंत्रित करने वाला पानी जाना बंद हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जारी रहता है, जिससे लगातार तापमान बढ़ता रहता है। लगातार तापमान बढ़ने से फ्यूल रॉड पिघलने लगते हैं, इससे काफी मात्रा में रेडियो एक्टिव रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। फुकुशिमा 50 ने कार बैटरी का इस्तेमाल कर रिएक्टर की रीडिंग लेना शुरू किया, लेकिन यह बहुत कम जानकारी दे रहे थे। रिएक्टर के अंदर क्या घट रहा है, इसकी जानकारी नहीं हो रही थी। बिना बिजली के वह रिएक्टर के बढ़ते तापमान को रोकने में अक्षम थे। दुर्भाग्य यह कि रिएक्टर के डिजाइन में एक ऐसी खराबी थी, जिससे तापमान काफी मात्रा में बढ़ने लगा। रिएक्टर के अंदर मौजूद टन ऑफ फ्यूल रॉड पर जर्कोनियम की एक महीन परत होती है, जिससे फ्यूल रॉड ऊंचे तापमान पर भी नहीं पिघलता है। लेकिन तापमान काफी ऊंचा होने पर जर्कोनियम स्टीम के साथ हाईली रिएक्टिव हो जाता है। बिना कूलिंग के रिएक्टर के अंदर का तापमान 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, जिससे आसानी से स्टीम जर्कोनियम के साथ रिएक्टिव हो गया। इस रिएक्शन के कारण अति ज्वलनशील हाइड्रोजन का निर्माण होने लगा, जो कि रिएक्टर से स्टीम निकालने के दौरान रिएक्टर की इमारत में जमा हो गया, जिससे विस्फोट हुआ।
लेकिन अगर रिएक्टर से स्टीम को बाहर नहीं निकाला जाता तो 88 टन प्लूटोनियम और यूरेनियम से भरी रिएक्टर के फटने पर चेर्नोबिल से बड़ी तबाही आ जाती। दुर्घटना के 2 सप्ताह के बाद प्लांट की बिजली बहाल हो गई। प्लांट को सुरक्षित रूप से शटडाउन कर लिया गया, लेकिन प्लांट के अंदर का रेडिएशन लेवल इतना बढ़ गया है कि केवल रोबोट को ही वहां भेजा जा सकता है। प्लांट के अंदर जाने और रिएक्टर की जांच करने में अभी दशकों लगेंगे। अभी प्लांट को कोल्ड शटडाउन कर दिया गया है। प्लांट के चारों ओर के 20 किलोमीटर के एरिया को परित्यक्त यानी कि अबंडेंट घोषित कर दिया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट के सुरक्षित होने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है।